हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। सो आज है रेसिपीज लेके आए हैं जो झारखंड का फेमस लेटो है। तो आज हमारा लंच एक साथ बन रहा है चाचिनों के साथ। सो वहीं पे हम चाची के घर पे हैं और मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ कि बहुत नॉइज आ रहा था इसलिए। गुड़िया गुड़िया नया ड्रेस पहन के कहाँ जा रही है? क्या करने जा रही है? गोल गोल घूमो। ये तो छुटकू, यहाँ प्याज मसाला का तैयारी हो रहा है। ये प्याज कट के रखा है, ये है चिकन मसाला। वाह गुड़िया, हो गया, गिर जाएगी। सो हम लोग अब लकड़ी में बनाएंगे। लकड़ी का टेस्ट अलग ही आता है गाइस। तो मम्मी जला दी है लकड़ी और कढ़ाई जल गया है और आगे देखो क्या क्या करते हैं। अब डाल दिए इसमें सरसों तेल। अब तेल गर्म होने के बाद डालेंगे प्याज। झारखंड का फेमस लेटो, ये झारखंड में कहीं भी आपको मिल सकता है। ये झारखंड का फेमस है गाइस। तो देख सकते हैं चुल्ली पे बना रहे हैं लेटो। ये कभी कभी खाने मिलता है और लकड़ी का बहुत टेस्ट होता है। तो मुझे मिला है बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ लेटो लकड़ी में वो भी। और अभी तेल गरम नहीं हुआ है, जस्ट अभी तेल डाले हैं बस। इसके बाद प्याज वगैरह, और चाची पीस रही है मसाला सिलबट्टे में। तो सिलबट्टे का मसाला तो टेस्ट होता है, साथ में लकड़ी है। तो चलो प्याज डालते हैं तेल गर्म होने के बाद। गाइस यहाँ पे तेल हो चुकी गर्म और मम्मी प्याज और क्या बोलते इस पत्ता को पता नहीं मुझे, और हाँ ये रेड चिल्ली दे दी है। और साथ में फिर भूनने के बाद चिकन भी डाला गया है। चिकन को भी भूनेंगे। प्याज भूनने के बाद चिकन डलाया है। अब देख सकते हैं चिकन भुना रहा है। ये पक जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नमक मसाला जाएगा। चिकन पकने तक भूनेंगे। चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मसाला डालेंगे इसमें। अदरक लहसुन प्याज मिर्ची जीरा धनिया का पेस्ट है जो सिलबट्टे में पीसा गया है। इस मसाला को अब चिकन के साथ मिक्स करेंगे और पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला पूरी तरह पक ना जाए। ये सिलबट्टे में पीसा हुआ मसाला को अच्छी तरह पकाएंगे चिकन में, जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला पकेगा। डेली गाइस इसको लकड़ी का खाना बहुत टेस्ट होता है। अब डालेंगे, मसाला पक चुका है, नमक और हल्दी डालेंगे। फिर चिकन को अच्छा से हल्दी और नमक में मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप मसाला बहुत अच्छी तरह पक चुका है। अब हल्दी और नमक भी डाला गया है। अब इसे थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद मम्मी ने डाल दिया है टमाटर। मसाला वगैरह पकने के बाद मम्मी ने डाल दिया टमाटर। देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हुआ है। फिर साथ में टमाटर गलने के बाद मम्मी ने डाल दिया है चावल। अब चावल डाला गया है। चावल डालने के बाद चिकन और चावल को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। उसके बाद मम्मी और चाची दोनों यहाँ पे हैं। मम्मी चला रही है कलछी और चाची डाल रही है चावल। अब चावल और मसाला अच्छे से पक जाने के बाद यहाँ पे डाल दिए पानी। पानी में बॉयल आ चुका है। एक्चुअली गर्म पानी डाले हैं तो बॉयल आने में उतना लेट नहीं लगा। फिर अब ढक देंगे अच्छी तरह जब तक चावल ना पक जाए। गाइस उबाल आ गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। फाइनली गाइस हमारा लेटो खिचड़ी बनके हो गया है तैयार। अब देखिए बस अभी इसे गरम गरम सबको सर्व किया जाएगा।
आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। Can't hide.